सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के सारे धागे खोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पिता जगदानंद नीतीश कुमार को पीएम इन वेटिंग बता रहे हैं। उनके वे सारे गुण गिना रहे हैं जो किसी पीएम के पास होने चाहिए। पिता पुत्र की ये सियासत देखने में एक दूसरे से भले ही अलग लगे, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों का लक्ष्य एक है और वह है तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी पर बिठाना और नीतीश कुमार को दिल्ली की पुड़िया थमाकर विदा कर देना। इसलिए जब सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर तीखे हमले करते हैं तो उनका मकसद नीतीश को गद्दी से हटाने का ही होता है, और जब जगदानंद सिंह उसमें पीएम का रूप देखते हैं तो उनका मकसद वही होता है। पिता पुत्र की सियासत में नीतीश कुमार बुरी तरह से घिर गए हैं और उससे बच निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी उनके पास बचा नहीं है। आखिर पिता पुत्र की सियासत ऐसे वक्त में परवान चढ़ रही है, उसके पीछे बड़ी वजह भी है। समाधान यात्रा के पहले ही दिन नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया कि बजट के बाद वे देश भर की यात्रा पर निकलेंगे, मतलब बिहार से दूर दूर ही रहेंगे। आरजेडी का मानना है कि तेजस्वी को सीएम बनाने का ये सबसे बेहतर मौका है। नीतीश आरजेडी की इस सियासत को समझ रहे हैं। जगदानंद सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो हमेशा सफल रहता है। लालू प्रसाद ने पहले ही नीतीश कुमार को दही का तिलक लगा दिया है। लालू जी ने इससे पहले देवेगौड़ा को आशीर्वाद दिया था तो वे सफल रहे थे। पीएम के लिए अब नीतीश कुमार को भारत की यात्रा पर निकलना ही होगा। जगदानंद सिंह ने पिछले साल 2022 में नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी के बहाने दिए गए बयान ने गठबंधन के बीच बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। जगदानंद सिंह ने कहा था नीतीश कुमार पीएम के बेहतर उम्मीदवार हैं और उन्हें 2023 में तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंपकर देश के भ्रमण पर निकल जाना चाहिए। जगदानंद सिंह के बयान के बाद मचे हंगामे को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव को निर्देश जारी करना पड़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि जगदानंद को लेकर अब बयान सिर्फ खुद लालू या तेजस्वी ही देंगे। जगदानंद सिंह ने नीतीश के पीएम उम्मीदवारी को लेकर कह दिया कि लालू ने तिलक कर दिया है तो अब भारत की यात्रा पर निकलना चाहिए। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए खुद बताया था कि फिलहाल वो बिहार की यात्रा पर हैं। बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे और सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।